Assalamu alaikum. This is Ikhtiar Ahmed Koso. I'm the director at Center for Entrepreneurial Leadership and Incubation, Sakhar IB University. और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज आइडिया जिसके प्लेटफॉर्म से. और आज जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एंटरप्रेन्योरशिप. इस एंटरप्रेन्योरशिप के जो सेशन है इसमें हम कवर करेंगे चार पांच चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एंटरप्रेन्योर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप की एक वर्किंग डेफिनेशन क्या है. और एक एंटरप्रेन्योर जब एक एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में एडवेंचर करता है तो कौन सी रिस्क फैक्टर्स हैं जो वो फेस करता है और उसके पास ऐसे कौन से वे हैं या तरीक़ेकार है उसके पास कि वो उस रिस्क फैक्टर्स को जो है वो कम कर सके. और लास्ट में मैं आपको दूंगा मेरा एडवाइस कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरे एक्सपीरियंस जो 15 साल मैं इस फील्ड में एसएमईज और एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेशन में लगाए हैं तो मेरा एक जो एक एक्सपीरियंस बेस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है. सबसे पहले बात आती है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. एंटरप्रेन्योरशिप अगर आज के इस दौर में देखें ये एक ग्लोबल बज वर्ड बन चुका है. और ऐसे समझ लें कि ये एक ग्लोबल जो है वो रुझान बन चुका है. और ऐसे समझ लें पाकिस्तान में आप देखें हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में छोटे इंस्टीट्यूट्स में और गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में और सोशल सेक्टर में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए. एंटरप्रेन्योरशिप एक इंजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा फैक्टर है सोशल डेवलपमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा फैक्टर है यूथ डेवलपमेंट के लिए. आज आप देखें कि हमारी अपनी गवर्नमेंट ने बड़ी इनिशिएटिव्स ली हुई हैं आइडिया जिसके प्लेटफॉर्म पे भी आप देखें यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए. तो ये सारे लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं लेकिन एक बड़ा इशू ये भी है कि हम इस एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन कैसे करें और अपने यूथ को कैसे बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. मेरे ख्याल से एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था इन 2001 की आर्टिकल है लू एंड पी मार्श की. उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप की अभी तक कोई एक सिंगल और एग्रीड डेफिनेशन नहीं है. मैं ऐसे कह दूं आपको कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा इलास्टिक वर्ड हो गया है और लोग इसको डिफरेंट वे से डिफाइन कर रहे हैं. अगर स्कॉलर्स की बात करें वो इस पे उन्होंने बड़ा काम किया है उसको डिफरेंट फेसेस से गुजारा है और डिफरेंट डेफिनेशंस पे वो पहुंचे हैं. हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो एक डिफरेंट स्टाइल से एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया है. थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री में जाएँ एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में जिस बंदे ने काम किया है जोसेफ स्किम्पेटर जिसको हम द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात की है और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी किया. और ये वो फेज था जहाँ पे फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेंडर एंटरप्रेन्योर में और फिर एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योरशिप वजूद में आई. यहाँ पे जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है जो जोसेफ स्किम्पेटर ने कहा कि ये एंटरप्रेन्योरी हैं जिसने इंडस्ट्री रिवोल्यूशन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किया हुआ है. अब क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो बात की है और उन्होंने अपनी थ्योरी में इस फ्रेज को यूज़ किया है जिसका इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर जब नॉवल आइडिया से या न्यू आइडिया से जब या इनोवेटिव आइडिया से जब मार्केट में आता है तो वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट है वो इसको एक्सप्लॉइट करता है या फिर उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है. फॉर एग्जांपल अभी आज के दौर में आप देखें रेडियो हमारे पास नज़र नहीं आते हैं, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हमारे पास नहीं है. और इन्होंने कहा कि ये पांच एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है. या तो वो एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है या कोई सर्विस हो सकती है जिस तरह हमारे पास होटल इंडस्ट्री है या होटल सर्विसेज हैं. आप देखें कि होम बेस्ड सर्विसेज अवेलेबल हैं कराची में. आप देखें कि फ्रूट्स जो हैं वो और वेजिटेबल हैं वो हम नेटवर्क के थ्रू जो है वो घर पे पहुंचाए जाते हैं. दराज का आप एग्जांपल ले लें तो आप देखें कि वो लोगों को जो फिजिकल जाते थे लोकेशन पे वो कम हो गया है. या फिर वो न्यू प्रोसेस जो है वो लेके आते हैं या फिर न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेके आते हैं. तो ये जो बात की है ये इस कंप्यूटर ने अपनी थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में जो फ्रेज इसमें यूज किया है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उन्होंने बात की है. इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की है जोसेफ इस कंप्यूटर की और मुझे वो
बड़ी पसंद है। आप देखें कि एंटरप्रेन्योरशिप को लोग कहते हैं ये एक आप रिस्क फेस करते हैं जब एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी में या एडवेंचर आप लेते हैं, तो रिस्क फैक्टर उसमें बड़ा इन्वॉल्व है। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, इन्होंने कहा है कि ये एंटरप्रेन्योर नहीं है जो रिस्क बियर करते हैं, बेसिकली ये कैपिटलिस्ट है वो रिस्क बियर करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। तो कैपिटलिस्ट से मुराद ये है कि ये वो लोग जो बिजनेस को फाइनेंस करते हैं। ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर्स के पास इन्हें रिसोर्सेज नहीं होते और लोग उन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं किसी तरीके से। एक दूसरी डेफिनेशन है अराउंड 1921 में, और फिर उसके बाद पीटर ड्रकर ने 1971 में दी है। फ्रैंक एच नाइट की मैं बात कर रहा हूँ और पीटर ड्रकर की, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात अगेन की है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसे कह लें कि एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क लेना है। और क्योंकि वो दो किस्म की रिस्क बड़ी इन्होंने पॉइंट आउट की है कि वो लेते हैं। एक वो रिस्क वो लेते हैं कि अपनी फाइनेंस जो पैसा उनके पास है वो लगा लेते हैं, वो एक बड़ा रिस्क है, उन्होंने जो उनके पास है वो लगा लेते हैं बिजनेस में। दूसरा वो जो रिस्क फैक्टर है उनके पास वो ये है कि वो अपना टाइम लगाते हैं, अपनी ऑफ कोर्स अर्निंग्स को जो है वो छोड़ के, जॉब्स को छोड़ के और इस फील्ड में आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तीन किस्म की रिस्क है बेसिकली। एक वो कहते हैं कि मेयरेबल है रिस्क है। अब मेयरेबल को, रिस्क को हम कैसे डिफाइन करें? मेयरेबल से यहाँ पे मुराद है कि स्टेटिस्टिकली आप कैसे मेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आप दो जार उठाएं, एक में आप पांच रेड बॉल डालें, एक में आप पांच व्हाइट बॉल डालें, तो स्टेटिस्टिकली आप इसको मेयर कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कि कितनी प्रोबेबल चांसेस हैं व्हाइट बॉल आने के और रेड बॉल के। तो एक तो ये मेयरेबल रिस्क है एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा ये कहते हैं कि ये एम्बिग्विटी है रिस्क। एम्बिग्विटी से क्या क्या मुराद है? वही एग्जाम्पल अगर हम करें, एक जार में आपके पास फाइव रेड बॉल्स हैं और एक जार में आपके पास बॉल्स हैं जो आपको पता नहीं है कि किस कलर के हैं। तो अगेन ये स्टेटिस्टिकली इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि एम्बिग्विटी, आई डोंट नो कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि कौन सी बॉल आएगी। और दूसरा ये कहते हैं कि ये ट्रू अनसर्टेनिटी है। अब ट्रू अनसर्टेनिटी से मुराद क्या है? एक जार है जिसमें पांच बाल हैं और दूसरी जार है जिसमें पांच बाल हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कलर कौन सा कलर इसमें है, तो आप स्टेटिस्टिकली इसकी प्रोबेबिलिटी मेयर नहीं कर सकते। तो ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्ट है जो ट्रू अनसर्टेनिटी पे है। क्यों? अब ट्रू अनसर्टेनिटी से यहाँ पे मुराद क्या है कि आप एक नावल आइडिया मार्केट में लेके आते हैं, आपको पता नहीं है आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, तो यहाँ पे ये ट्रू अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो जाती है। एक और हमारे पास है एक बड़े मजे हुए जो अमेरिकन हैं, जैसे हम कहें कि एंटरप्रेन्योर हैं और बुक के ऑथर हैं, और उन्होंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप को फंडिंग की है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर पे आइडियाज अलोन है, वो कहते हैं कि ये आइडियाज नहीं है, ये आइडियाज को हैपन करना है, आइडियाज को इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है, ये एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट दैट। तो यहाँ पे फिर ये सवाल आता है कि आपने जब एडवेंचर करेंगे अपने आइडिया का, आपने आइडिया है आपके साथ, आपने प्लान किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो ये पूरा एंटरप्रेन्योरशिप है। फिर वो सारी रिस्क फैक्टर्स में इन्वॉल्व होती हैं। तो अभी तक जो दो चीजें बड़ी क्लियर हुई हैं, एक जो द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास थे जोसेफ स्कंपीटर, वो कहते हैं कि ये कैपिटलिस्टिक रिस्क उठाते हैं। फ्रैंक एच नाइट कहते हैं कि, और पीटर ड्रकर कहते हैं कि रिस्क इन्वॉल्व है जो एंटरप्रेन्योर लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी में। तो ये एक डिफरेंट एक्टिविटीज थी, आइडियाज को हैपन करना एंटरप्रेन्योरशिप है। तो क्या हमारे लिए एक वर्किंग डेफिनेशन कौन सी है जिसको हम कहें कि क्या आज के दौर में कौन सी वर्किंग डेफिनेशन है? बहुत सारी डेफिनेशन हैं, तो वर्किंग डेफिनेशन हमारे पास क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? तो हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन 1973 में दी है, प्रोफेसर हॉवर्ड स्टीवनसन ने दी है। वो जो प्रोफेसर हैं इन दी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, उन्होंने कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द परसुएट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेज कंट्रोल। अब परसुएट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेज कंट्रोल, अगर इस डेफिनेशन को हम गौर से देखें तो ये डेफिनेशन को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक परसुएट, फिर अपॉर्चुनिटी और बियॉन्ड रिसोर्सेज कंट्रोल। परसुएट से मुराद क्या है?
परसुअर से सिंपली मुराद ये है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज को देखता है। जब वो विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखता है तो उसके लिए वो उस अपॉर्चुनिटी को फॉलो करता है, उसके लिए अपनी प्लानिंग करता है और उस पर वो फोकस करता है, परसू करता है उसको। लेकिन उसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्स में उस आइडिया को वो परसू करेगा। दूसरा ये है कि अपॉर्चुनिटी, अब कौन सी अपॉर्चुनिटी जो एंटरप्रेन्योर के पास होती है, उसके पास जनरली चार किस्म की अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो ये कि वो या तो बिल्कुल नॉवेल प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ले गया है, नंबर वन। नंबर टू कि वो एक नया बिजनेस मॉडल डिजाइन करे। मैं आपको नया बिजनेस मॉडल डिजाइन किया एक अच्छा मिसाल दूं, आपने उबर और करीम को देखा है, ये एक नया बिजनेस मॉडल है। टेक्नोलॉजी को उन्होंने इन्वॉल्व किया और एक क्लिक पे आपके पास टैक्सी आ जाती है। अदरवाइज पहले क्या होता था, आप बाहर जाते थे, टैक्सी स्टैंड पे जाते थे, टैक्सी अरेंज करते थे, मोबाइल फोन आया तो टैक्सी वाले का आपके पास नंबर है तो पूछते थे आप अवेलेबल हैं, तो फिर आप उसको बुलाते थे। लेकिन करीम और उबर ने एक ऐप की वजह से इस काम को और आसान किया, तो नया बिजनेस मॉडल एक हमारे पास आ गया है। या तो फिर तीसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप एक चीपर वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ले जाएं। आप देखें कि हमारे पास GFC फैन है, आप हमारे देखें पाक फैन है हमारे पास, आप देखें हमारे पास रॉयल फैन है, तो आप देखें प्राइसेस में बड़ा उनमें डिफरेंसेस है। या तो फिर वो ये है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे एक नई मार्केट तलाश करें और फिर आप वहां पे चले जाएं। तो ये फिर फोर किस्म की अपॉर्चुनिटी है जो एंटरप्रेन्योर अवेल करता है। और एक जो थर्ड इस डेफिनेशन को हमने डिवाइड किया था, रिसोर्सेस कंट्रोल। अब रिसोर्सेस कंट्रोल से मुराद क्या है कि आपने अपॉर्चुनिटी परसू की, आपने आइडेंटिफाई किया कौन सी अपॉर्चुनिटी को लेके चलना है आगे, लेकिन आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर के पास एक एक बड़ा लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। अब लिमिटेड रिसोर्स ये है, या तो उसके पास अपनी जमा पूंजी जो पड़ी हुई है वो उसके पास अवेलेबल है, या उसके अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, या उसके पास थोड़ी सी अपनी कोई स्पेस है, इस किस्म की वो चीजें उसके पास हैं, तो वो एक बड़ा लिमिटेड है क्योंकि आगे जाके उसको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। वो उसके लिए बड़ा एक चैलेंजिंग भी होगा और एक बड़ा रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि अगर फंडिंग नहीं होगी तो वो अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता, वो अपना जो हाइपोथेसिस है आइडिया का उसको वो एक फाइनल प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप में नहीं लेके आ सकता। अगर प्रोटोटाइप में लेके आया तो फिर उसको मार्केट में नहीं लेके आ जा सकता, मार्केट में लेके आया है तो फिर उसको एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी, तो हर जगह पे पैसे की एक बड़ी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उस एंटरप्रेन्योर के एक लिए बड़ा चैलेंज है। तो आज के दौर में ये बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है प्रोफेसर हॉवर्ड स्टीफेंसन की कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द परसुएट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेस कंट्रोल। अब ऑफ कोर्स आपने अपॉर्चुनिटी परसू की, आपने उसमें अपना जो जमा पूंजी थी आपके पास वो आपने इन्वॉल्व किया, तो अब आपके पास मैं कहूं कि आपके पास एक जो रिस्क है वो आप फेस करने जा रहे हैं। वो चार किस्म की रिस्क हमारे पास है। एक हमारे पास है डिमांड रिस्क। ऑफ कोर्स आपके पास आइडिया था, आपने उसको परसू किया, आपने एक प्रोडक्ट बनाई, तो क्या जो प्रोडक्ट आपने बनाई लोग उसको परचेज करेंगे, आप लोगों को कैसे माइल करेंगे कि ये प्रोडक्ट उनकी नीड को सेटिस्फाई करती है, ये प्रोडक्ट उनके एक कोई स्टैंडर्ड है उसको वो मीट करता है, क्या ये प्रोडक्ट उनके लिए एक जाके ब्रांड बनेगी, तो वो डिमांड की रिस्क प्रोड्यूस डिमांड की रिस्क प्रोड्यूस करना उसके लिए बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। नहीं होगी तो आप लॉस पे चले जाएंगे। फिर एक टेक्नोलॉजी रिस्क है। ऑफ कोर्स आपने शुरू में प्रोटोटाइप बना लिया होगा अपने रिसोर्सेज से, तो आप टेक्नोलॉजी रिस्क अब आपको आ जाएगी, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में आ गई है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, एक्सपेंशन करना पड़ेगा। या तो फिर ऐसे हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट है ही ऐसी जो इसको टेक्नोलॉजी के बगैर आप प्रोटोटाइप ही नहीं बना सकते, तो वहां पे फिर आपको ये टेक्नोलॉजी रिस्क फैक्टर है और इसको अवेल करने के लिए यू नीड कैपिटल। फिर एक और रिस्क आता है एग्जीक्यूशन रिस्क। एंटरप्रेन्योर्स के पास आपका आइडिया है, आपको टीम बनाना एक बहुत बड़ा एक आपके लिए चैलेंज होगा। वो इसलिए चैलेंज होगा, वो अल्टीमेटली जाके आपकी रिस्क फैक्टर बन जाएगी। वो इसलिए कि आपको एक ऐसी टीम चाहिए जो आपकी हाइपोथेसिस,
आइडिया को जाके एक मटेरियल, उसको एक फिजिकल शेप दें और उस फिजिकल शेप को फिर मार्केट में लेके आए, अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट की शेप में लोगों के पास। तो ये एग्जीक्यूशन के लिए आपको जो टीम चाहिए उसको लेके आना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, उसको बनाना आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा। क्या उसको आप एज एम्प्लॉइज करेंगे, क्या आप उसको एज अ पार्टनर बिजनेस में लेके आएंगे, क्या वो उस मयार के हैं जो इस तरह आप चाह रहे थे आपके प्रोडक्ट के लिए हो, तो आपके लिए वो एक एग्जीक्यूशन रिस्क फैक्टर है। फाइनेंसिंग मेरे ख्याल से ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है आइडियाज के लिए। हो सकता है कि कुछ आइडियाज के लिए इन बिगनिंग फाइनेंसिंग रिस्क ना हो, लेकिन कुछ आगे बढ़ने के बाद फिर उनको फाइनेंसिंग रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और अगर ये टेक्नोलॉजी सॉर्ट का कोई आइडिया है तो उसमें फिर फाइनेंसिंग रिस्क और भी ज्यादा है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास शायद इतने पैसे ना हो अपनी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अल्टीमेटली आपको फिर पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी, अल्टीमेटली आपको फिर इन्वेस्टर्स की जरूरत भी पड़ेगी, हो सकता है आपको वेंचर कैपिटलिस्ट की उसमें जरूरत पड़े। तो फाइनेंसिंग, अपनी आइडिया को फाइनेंस कराना आपके लिए बड़ा रिस्क है, और फिर इसको किस तरह आपने शेप देना है कि पार्टनर्स अगर करके आप लोगों को लेके आ रहे हैं तो फिर क्या रेशो होगा उनको डिवाइस करना, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब एंटरप्रेन्योर के पास क्या बच जाता है और क्या वो टैक्टिक्स यूज कर सकता है कि अपनी फाइनेंशियल रिस्क को, अपनी डिमांड है, उसकी एजुकेशन रिस्क है और ये सारी चीजें, वो उसको कैसे कम कर सकता है। तो एक बड़ा जबरदस्त एक एक्सपेरिमेंटेशन है, उसको हम कहते हैं लीन एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अब लीन एक्सपेरिमेंटेशन में आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट किस तरह बना सकते हैं, थ्रू दिस आप मिनिमम रिसोर्सेस को यूज करके अपनी प्रोडक्ट को एक प्रोटोटाइप शक्ल में लेके आते हैं, और फिर वहां पे प्रोटोटाइप से आप इस पोजीशन में प्रोडक्ट को लेके आते हैं कि आप किसी कस्टमर को मिनिमम हायर कर सकते हैं, मिनिमम उसको वो प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, सो दैट कि आपका काम स्टार्ट हो जाए और आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी उस पे उस कस्टमर का, उस यूजर का इनपुट आना शुरू हो जाए। दूसरा, आप अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेज्ड इन्वेस्टिंग। कैसे कम कर सकते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बिजनेस बनाया, बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग की रेनोवेशन करवाई, ग्लासेस लगाए, जबरदस्त आउट क्लास के ऑफिस बना दिए, कंप्यूटर्स हो गए, एम्प्लॉयज हायर हो गए, अल्टीमेटली प्रोडक्ट नहीं चल पाया और वो स्टार्टअप बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपने स्टेज इन्वेस्टिंग नहीं की, आपने अपने माइलस्टोन्स को आपने सेट करना है, उन माइलस्टोन को सेट करके फिर आपने लिमिटेड इन्वेस्टिंग करनी है स्टेजेस में, कि स्टेज वन का माइलस्टोन ये है, उसमें मुझे मिनिमम रिसोर्सेस को यूज करना है जिस तरह मैं नेक्स्ट स्टेज पे चला जाऊं, और हो सकता है इन बिटवीन आपकी प्रोडक्ट की सेल स्टार्ट हो जाए। तो अल्टीमेटली आपको, आपने फिर उससे अपना रिस्क फैक्टर मिनिमाइज करना है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरिंग करें। लोगों के पास आइडिया है, वो कहते हैं नहीं ये तो मेरा आइडिया है, छुपा के रखें, यहाँ पर मैं करूंगा, मेरी फैमिली करेगी। तो कभी ऐसा ना करें, अगर आप ऐसे करेंगे तो अल्टीमेटली आपने बड़ा रिस्क ले लिया है और आप यू आर गोइंग टू बी फेल्यूर, मे बी ए फेल्यूर वन। तो आप पार्टनरिंग जो है वो करें। पार्टनरिंग से मुराद ये है कि आप एक पार्टनर ये कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग कोई फर्म है, आपका टेक्नोलॉजी आइडिया है या आपका सिंपल कोई बिजनेस आइडिया है, आप उसको टेस्ट करें, उसकी प्रोटोटाइप वहां से बनवाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उनकी जगह जो है वो हायर कर सकते हैं, पर यूनिट प्रोडक्शन वहां से आप करवाएं टिल आप इस स्टेज में हो कि आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट बना दें, या आप अपना कोई सर्विस का कोई यूनिट बना दें, वहां पे उस प्रोडक्ट को बनाएं और डिलीवर करें। एक तो पार्टनर ये है, दूसरी पार्टनर ये है कि उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करें जिनके पास पैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा आजकल यूज हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में कि सोसाइटी एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि आप सोसाइटी के उन लोगों को अपने साथ आइडिया में इन्वॉल्व करें और इन्वेस्ट करवाएं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, जो सेविंग उनके पास पड़ी हुई है, तो ये उनके पैसे आप जो है अपनी बिजनेस में लगाएं और एक बिजनेस एक्टिविटी करें। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ये एक सोशल डेवलपमेंट होगी, एक ये कम्युनिटी डेवलपमेंट होगी। तो आप वो किस्म की पार्टनरिंग कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, जैसे आप अपना रिस्क फैक्टर कम कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त हमारे पास स्टीव जॉब्स इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल। उनमें ये अट्रैक्टिवनेस था कि वो अपनी आइडिया जब होता था तो वो उस आइडिया को प्रेजेंट
उसको स्टोरी टेलिंग आती थी, अट्रैक्टिव स्टोरी टेलिंग आती थी। वो अपनी टीम को बुलाते थे, वो अपने पार्टनर्स को बुलाते थे, वो अपने इन्वेस्टर्स को बुलाते थे, और उनकी जो स्टोरी टेलिंग और प्रोडक्ट को बताने का जो उसका तरीक़ेकार था, और एट द एंड बॉटम लाइन वो उनको इन्फ्लुएंस करते थे, उनको कन्विंस करते थे। तो आपको ये स्टोरी टेलिंग भी आनी चाहिए। तो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक लीन एक्सपेरिमेंटेशन, आप उसके थ्रू मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएं, दूसरा आप स्टेज इन्वेस्टिंग करें, फिर पार्टनरिंग करें, फिर स्टोरी टेलिंग करें। यस, उम्मीद है कि आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। मैं आपको फिर थोड़ा सा इसको समअप करके बता देता हूँ कि हमारे पास एक ये ग्लोबल फिनोमिनान हो गया है, रुझान हो गया एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना, उसको डिफाइन करना। स्कॉलर्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और लोग एडवेंचर कर रहे हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क इन्वॉल्व है, उस रिस्क को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी फोर स्टेजेस में बताया है। फिर हमारे पास जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया है कि आज के दौर में आप ये डेफिनेशन, एक बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन है, वैसे तो बहुत सारी हैं, कि परसुइंग ऑफ अपॉर्चुनिटी विदाउट बियॉन्ड रिसोर्सेज कंट्रोल, हमारे पास वो है। बहुत सारी एडवाइसेस अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि जो यूथ है हमारी पाकिस्तान की, जो इस पीएम प्रोग्राम से अवेल करना चाहती है, कि आप स्टे फोकस और आप कनेक्टेड रहें एक्सपर्ट्स के साथ। जिस किस्म का भी आपका आइडिया है, आप आइडेंटिफाई करें उन लोगों को जो उस आइडिया से रिलेटेड हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाएं, उनका इनपुट लें उस पर, सो दैट आपका जो बिजनेस है वो आप फोकस भी रहेंगे उस पर, और फिर आपकी कनेक्शन होगी उन लोगों के साथ, मेंटोर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, तो वो आपका आइडिया जो है वो एक प्रोटोटाइप और फिर एक फिनिश प्रोडक्ट की शेप में आपके पास आएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको इस सेशन में एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट सेक्शन, टिल दैट अल्लाह हाफिज़, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।